Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In today's video, we will discuss the detailed solutions of chemistry from the NEET exam held on 12th September 2021. So let's start. Question number 51. Two statements given here. Statement 1 is Aspirin and paracetamol belong to narcotic analgesics. Statement 2 is Morphine and heroin belong to non narcotic analgesics. नाउ जो टिक एनर्जेसिक्स होते हैं बेसिकली उनका मतलब होता है कि जो एडिक्शन कॉज करते हैं नाउ एस्पर एंड पैरासिटामोल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन नार्कोटिक ड्रग्स दे डू नॉट कॉज एडिक्शन वेयर एज ऑन द अदर हैंड हमें पता ही है मॉर्फिन या हीरोइन जैसे ड्रग्स एडिक्शन कॉज करते हैं सो so, यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन है वो भी हो गई है फॉल्स और स्टेटमेंट टू भी हो गई है फॉल्स सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स दैट इज आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू करेक्ट स्ट्रक्चर बताना था टू कॉमसिक्स डाय मिथाइल डेक फोर इन का तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए टेन कार्बन की तो ही तो यहाँ पे डेक आया है तो फोर कार्बन एटम्स की हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए वो तो यहाँ पे हमें हर केस में दिख जाएगी उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे कि टू और सिक्स पोजीशन पे दो दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो और फोर्थ पोजीशन पे ईन हो सो so सी अगर हम ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन सेवेंथ एट नाइन्थ एंड टेंथ कार्बन सो ये हो गया यहाँ पे टेन कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फोर पे ईन होना चाहिए था तो ठीक है फोर पे यहाँ पे ईन है डबल बॉन्ड है एंड सेकेंड कॉमा सिक्स पोजिशन पे डाय मिथाइल दो दो मिथाइल ग्रुप चाहिए तो सेकेंड पोजिशन पे एक ये मिथाइल ग्रुप और सिक्स पोजीशन पे एक ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है सो so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा हो गया है ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बी थ्री प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बोरोन की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं अराउंड बोरोन नाउ बी इज एक्चुअली लाइक दिस दिस इज बी तो यहाँ पे बी एफ थ्री प्लेनर है ठीक है गिवन है हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर लोन पेयर कोई है नहीं सिग्मा बॉन्ड्स थ्री सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गई है एसपी टू एस पी टू हाइब्रोडाइजेशन हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के अराउंड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसीलिए ही ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है करेक्ट आंसर क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर नोबेल गैसेस के बारे में यहाँ पे फोर स्टेटमेंट किवन है हमें हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है नोबे गैसेसर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वॉटर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट नोबेल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइनिंग पॉइंट नो दिस इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज नोबल गैसेस केस में होती हैं लंडन फोर्सेस जो कि होती हैं बहुत ही वीक फोर्सेस तो अगर फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे फिर कम हो जाएंगे नोबल गैसेस के ऑप्शन नंबर थ्री देखें तो नोबल गैसेस वीक फोर्सेस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन फोर नोबल गैसेस है लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन थेपी करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी रीजन क्या है बिकॉज नोबल गैसेज होती हैं इनर्ट inert. उनकी इनर्टनेस की वजह से ना तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती हैं ना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हैं बिकॉज जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेंगी इसीलिए जो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन की वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी ठीक है सो so, यहाँ पे इन करेक्ट ऑप्शन कौन सा वैल्यूज गिवेन है हमें एन एस सी एल एच सी एल और सी एच थ्री सी ओ एन ए के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फॉर सी एच थ्री सीओ एच एट इनफाइनाइट ड्यूशन नाउ वी नो सी एच थ्री सी ओ ओओ एच इज एसे विच इज अ वीक एसिड तो अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ये तीन वैल्यूज से तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या पड़ेगा सी इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो हमें बेसिकली मोलर कंडक्टेंस सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए की वैल्यू को एड करना पड़ेगा कि इसमें मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ एच सी एल और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ एन तो ही तो यहाँ पे बनेगा सी एच थ्री सी ओ ओओ एच सी वीव एडेड सी एच थ्री सी ओ एन एंड एच सी एल अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ से एन ए और यहाँ से सी एल उसको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बस अब क्या करेंगे सी एच थ्री सी ओ एन ए की क्या वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे नाइनटी वन इसमें एड क्या करेंगे एच सी एल की वैल्यू वो कितनी गिवन है फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्सटीन और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसकी वैल्यू एन की वो कितनी गिवन है यहाँ पे वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री नाइनटी पॉइंट सेवन वन विच इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा सोल्यूशन एग्जिबिट करेगा नाउ वी नो के जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस शो करते हैं तो ये सारे सॉल्यूशंस में से जो स्टार्ट सॉल्यूशन है दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर 57 आरबीसी की डेफिशिएंसी किस विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज़ है नो बेसिकली आरबीसी की डेफिशिएंसी जब हमें होती है हम उस पर्टिकुलर डिजीज को बोलते हैं परनिशियस एनीमिया ठीक है

फुली एक्लिप्स जो कन्फर्मेशन होती है वो सबसे कम स्टेबल होती है इसमें होता क्या है वॉट इज बेसिकली एच थ्री सी एच थ्री तो अगर इनमें से ये फ्रंट कार्बन है ये बैक कार्बन है तो इस फ्रंट कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं तीन एच और जो बैक वाला कार्बन है उसके साथ भी क्या जुड़े हैं तीन एच जिनको हम ऐसे शो करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन दोनों पे ही हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है अब हमने कैलकुलेट करना है डायहाइड्रल एंगल डायहाइड्रल एंगल का मतलब है कि अगर हम ये वाले हाइड्रोजन की से बात कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा नाउ बिकॉज ये दोनों ही हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के पैरलर हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा जीरो डिग्री विच इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन

ऑप्शन थ्री लेंथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये भी ठीक है सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं टू ब्रोमो पेंटेन की कौन सा प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे पेंट टू इन हमें बताना है कि ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है ये इनमें से किस रूल पे बेस्ड है सी बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है टू ब्रोमो पेंटेन की तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टू ब्रोमो पेंटेन ड्रॉ कर लेते हैं ये हो गए यहाँ पे फाइव कार्बन आइटम्स और सेकेंड कार्बन पे होगी ब्रोमीन वैलेंसीज को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे टू ब्रोमो पेंटेन ठीक है अब हमने करना क्या है यहां से बनाना है हमने पेंट टू इन तो पेंट टू इन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं फाइव कार्बन एटम्स हो गए सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड तो ही ये हुआ पेंट टू इन एंड ये जो कार्बन हैं इनकी विलेंसी को कर देते हैं कंप्लीट नाउ सी जब हम डीहाइड्रोहलोजिनेशन करते हैं तो नेम से ही क्लियर है कि हमें एक हाइड्रोजन और एक हलोजन को रिमूव करवाना है सो ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है अगर ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन जा सकता है इस कार्बन से या इस कार्बन से बिकॉज इन दोनों कार्बन के पास ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से जाता और ब्रोमीन इस कार्बन से जाती तो यहाँ पे फॉर्म होता एक डबल बॉन्ड ठीक है बट इस केस में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसका मतलब क्या है कि ब्रोमीन गई है इस कार्बन से और हाइड्रोजन गया है इस कार्बन से तो दोनों की बैलेंसिस इनकम्प्लीट हुई और इस जगह पे बना है अब क्या एक डबल बॉन्ड सो अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड बना है तो हमारे पास एक ज्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एज अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता तो वो एक कम सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता तो कौन सा रूल बोलता है कि जब भी एक अल्कि फॉर्म होती है तो वो सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड वाली जो अल्किन है वो ही फेवरेबली फॉर्म होती है ये वो रूल बताता है जिसको हम बोलते हैं सेजेव रूल अकॉर्डिंग टू सेट रूल वो अल्किन प्रेफरेबली फॉर्म होती है इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जहां पे मैक्सिमम सब्सटीट्यूशन हो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन करेक्ट रिलेशनशिप बताना है बिटवीन सी पी एंड सी वी फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस नाउ क्या रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन कितने मोल्स गिवन है आइडियल गैस के वन मोल तो एन की वैल्यू वन हो गई तो क्या आ गया रिलेशन सी पी माइनस सीवी टू आर विच इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नाउ टेफ्लॉन इज बेसिकली पॉली टेट्राफ्लोरोन तो ये बनता किससे है टेट्राफ्लोरोन से होमो पोलिमराइजेशन होती है टेट्राफ्लोरोन की और यही बनाता है एक एडिशनल पॉलीमर दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन जो नाइलोन सिक्स सिक्स है वो किससे बनता है हेग्जामिथाइलिन डायमीन और एडेपिक एसिड से और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है नोवो बेसिकली इज अ फिनोल फॉर मेल्टीहाइड्रेजन ठीक है तो ये बनता है एक कंडेंसेशन पॉलीमर एंड डेक्रॉन इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम टेरिथेलिक एसिड एंड इथलिन ग्लाइकोल अगेन इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ठीक है सो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज टेफलॉन दैट इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री आई यू पी एस सी नेम बताना है हमें यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेसिकली हमें करना क्या है एसीटोन की रिएक्शन करवानी है विद एच फाइव एम जी बी आर तो ये है क्या दिस इज बेसिकली ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स इज बेसिकली ग्रिगनार्ड रिएजेंट ड्राईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है और बाद में हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है रिएक्शन देखते हैं पहले एसीटोन इज सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ये होता है एसीटोन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद सी टू एच फाइव एम जी बी आर तो हमें पता है मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सो पॉजिटिव को नेगेटिव दे देते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव दे देते हैं ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये सारी चीज तो रही एज इट इज अब ओ के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज उसके पास कौन गया ये पॉजिटिव वाला एम जी बी आर इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास कौन गया ये वाला नेगेटिव चार्ज दैट इज सी टू एच फाइव जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर ओ के साथ जाके जुड़ जाएगा एच और साथ में बन जाएगा एम जी ओ एच बी आर यही फॉर्म होगा अब बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास फॉर्म हुआ है और इसी का हमें बताना है यहाँ पे आई यू पी एस सी नेम तो सबसे पहले इसको यहां पे ओपन करके लिख लेते हैं सी टू एच फाइव को कैसे लिख सकते हैं इसको CH2, CH3. अब सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन तो क्या है यहाँ पे बेसिकली दिस इज ब्यूट ब्यूटेनॉल है और किस पोजीशन पे ओएल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज ओएच ग्रुप किस पोजीशन पे है सेकंड वाले कार्बन पे तो ये हो गया टू ब्यूटेनॉल एंड साथ में क्या है टू पे ही एक मिथाइल ग्रुप है सो so इसका नेम क्या हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल विच इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर 64 हमें यहां पे करेक्ट स्ट्रक्चर्स को मैच करना है आपस में पीसीएल5 PCL5 तो हमें पता ही है ऐसे होता है यहाँ पे दिस इज ट्राइगोनल बाय पेरामिडल सो पी सी एल फाइव इज ट्राइगोनल बाय पेरामिडल ए का आएगा फोर तो so, यहाँ से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट नाउ यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं डी का दैट इज बी एफ थ्री का स्ट्रक्चर बी एफ थ्री इज ट्राइगोनल प्लेनर हम ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में भी ये डिस्कस कर चुके हैं सो so, इसका है टू दैट इज डी का आएगा टू तो फर्स्ट और फोर्थ में से डी का टू है इन ऑप्शन वन सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो अगर हमें यहाँ पे एस एफ सिक्स का स्ट्रक्चर देखना है तो वो क्या हो जाएगा एस एफ सिक्स विल बी लाइक दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी यहां पर नाउ बी आर एफ फाइव का स्ट्रक्चर देखते हैं दिस इज ब्रोमीन इसके साथ यहाँ पे फोर फोर फ्लोरिन अटैच हैं ये है यहाँ पे फिफ्थ फ्लोरीन तो यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री हो गई है फिर स्क्वायर पिरामिडल साथ में यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा क्वेश्चन नंबर 65 इनमें से कौन सा मेथड यूज होता है टू ऑप्टेन अ हाईली प्योर मेटल जो कि लिक्विड है एट रूम टेंपरेचर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री दैट इज डिस्टिलेशन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें इस रिएक्शन में सो so बेसिकली हमें इस रिएक्शन में गिवन क्या है एक अल्कीन साथ में एच आर और साथ में ये जो एरो के ऊपर गिवन है दिस इज अ सो अब यहां से भी नो कि एच बी आर के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड तो वहां पे कौन सा रूल ऑपरेट होता है खराश इफेक्ट या जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी के पास जाएगा आने वाला हाइड्रोजन दैट इज हमने देखने कौन से दो कार्बन एटम्स हैं जिन दोनों के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सो so, अब इस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो इसी को देंगे हम आने वाला हाइड्रोजन तो ये बन किया जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री एज इट इज अब इस कार्बन को दे दिया एक और हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गया सी एच टू यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड और अब इस वाले कार्बन के पास कौन जाएगा ब्रोमीन So, ये बन जाएगा एंड प्रोडक्ट विच इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का ये इनमें से कौन से पार्टिकल्स को एमिट करता है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन दैट इज बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है ट्रीटियम कुछ इस तरह से होती है इसकी रिएक्शन दिस इज नोन एज वॉट बीटा पार्टिकल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ बॉन्ड इन ऑफ सी एक्स बॉन्ड नाउ यहाँ पे सी एच थ्री तो सब में कॉमन है बेसिकली हमें गिवन क्या है डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन दैट फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडिन नाउ वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ठीक है तो हेलोजन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी तो उतनी ही कम हो जाएगी बॉन्ड एनथेलपी सो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनथेलपी होगी सी एच थ्री एफ वाले बॉन्ड की बिकॉज फ्लोरिन का साइज यहां पे छोटा है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज हो ही जा रहा है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो ही जा रही है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो ही जाएगी ठीक है सो so, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड का नंबर बताना है इन हेक्सागोनल प्रव यूनिट सेल नाउ देखो जितनी भी Z की वैल्यू होती है किसी भी एक यूनिट सेल में उतने ही होते हैं उसमें नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सेल में Z की वैल्यू तो हो जाएगी सिक्स अगर Z की वैल्यू सिक्स है तो भी हो जाएंगे सिक्स फिर टेट्रेडल वॉइड क्या होगी डबल ऑफ दैट इज ट्वेल्व सो टेट्राइड्रॉइड ट्वेल्व ऑक्टाइड सिक्स ट्वेल्व कॉमा सिक्स इसका आंसर होगा विच इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस करे तो so, यहाँ पे क्लियरली सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर टू है इसमें जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है मेटल इज डिस्प्लेसिंग मेटल सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन टू वेयर एज ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर ये तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है दैट इज मेटल इज डिस्प्लेसिंग अ नॉन मेटल एंड ऑप्शन नंबर वन इज अगेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन ग्राफ्स में से जो बॉयल्स लॉ को यहाँ पे करेक्टली इंडिकेट करता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का यहाँ पे हमें ग्राफ्स गिवन है एट डिफरेंट टेम्परेचर सारे ग्राफ्स यहाँ पे हम देख लेते हैं सी सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ होता क्या है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम सो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो ये और ये ग्राफ तो यहाँ पे होने से रहा बिकॉज ग्राफ होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ इस तरह का दैट इज जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है सो ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर में से कोई एक ऑप्शन होगा अब इन दोनों में यहाँ पे फर्क क्या गिवन है सी इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ग्राफ में 200 हंड्रेड के एलवेन देन फोर हंड्रेड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे और इस केस में क्या गिवन है फोर्थ में सबसे ऊपर वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज्यादा टेम्परेचर को और सबसे नीचे वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे कम टेम्परेचर को सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है ये वाला ग्राफ यहाँ पे सही ग्राफ है इसका रीजन क्या है सी अगर हम यहाँ पे प्रेशर को कॉन्स्टेंट देख लेते हैं से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अब प्रेशर को हमने कर लिया है कांस्टेंट अब ग्राफ किसके बीच में रह गया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में नाउ वी नो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे ये वाले ग्राफ का सबसे ऊपर वाले ग्राफ का पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो इसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होना चाहिए है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा सो so, ये बिल्कुल करेक्ट है ये वाला ग्राफ इसीलिए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वेर एज अगर हम यहाँ पे ऑप्शन वन देखते तो यहाँ पे क्या था प्रेशर को हमने कर लिया है कॉन्स्टेंट अगर हम ये वाला यहाँ पे ग्राफ देखें सबसे ऊपर वाली लाइन वॉल्यूम तो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इन तीनों में से बट टेम्परेचर क्या है सबसे कम सो दिस इज एंड इन करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ एंड करेक्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड की विच इज फोर पॉइंट सेवन सेवन टेम्परेचर इज इन कैलविन तो हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या होगी पी एच ऑफ डायमिथाइल अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन

बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू वैल्यू यहाँ पे माइनस कर देंगे दिस इज सो ये पे क्या आ जाएगा अप्रॉक्सिमेटली सेवन पॉइंट सेवन फाइव विच इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हेलाइट विच वन इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो इन सब में से यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बेसिकली किस क्लोराइड में है सी so, कोवेलेंट करेक्टर इज गिवन बाय फजांस रूल्स फजांस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कैटाइन का साइज छोटा हो अनायन का साइज बड़ा हो अब यहाँ पे अनायन तो सारे केसेस में सेम ही है तो मैटर क्या करेगा कि कैटाइन का साइज कैसा है क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम है स्ट्रॉनशियम है मैग्नीशियम है और बेरिलियम है

मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटेट ई आयन कैसा लीगेंड है हम सबको पता है कि ई एक हेक्साडेंटेट डेंटेड लीगेंड है जिसमें जो हेक्साडेंटिसिटी होती है वो किसके कारण होती है दो नाइट्रोजन के कारण और फोर ऑक्सीजन के कारण स्ट्रक्चर कैसे होता है ई का स्ट्रक्चर इज सी सी एच टू एन एन अब ये जो दोनों एन है इन दोनों के ऊपर ही दो दो सी एच टू नेगेटिव वाली यहाँ पे यूनिट्स अटैच हैं यहाँ पे भी सिमिलरली दो यूनिट्स अटैच हैं सो so, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो दो डेंटिसिटी तो इसकी नाइट्रोजन के कारण हो गई अगेन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव सिमिलरली इधर दो जो यूनिट्स लगी होंगी ये वाली वहां पर भी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव सो so, टोटल फोर ऑक्सीजन पे नेगेटिव और दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डेंटिसिटी हो गई हैग्जा डेंटेट दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हमें यहाँ पे कुछ सोल्यूशन किवन है टेन ग्राम ग्लूकोज के इन टू फिफ्टी एम एल वाटर टेन ग्राम यूरिया के इन टू फिफ्टी एम एल वाटर एंड टेन ग्राम सुक्रोस के इन टू फिफ्टी एम एल वाटर हमें यहाँ पे बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सोलूशन नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवेन बाई आई इन टू सी आर टी यही होता है अब यहाँ पे जो सी है वो किसके इक्वल होता है एन बाई वी आर टी के ठीक मीन्स अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम तो यहाँ पे सबका ही सेम है टू फिफ्टी एम एल टू फिफ्टी एम एल ठीक है और हमारे पास यहाँ पे टेन ही ग्राम्स गिवन है ग्लूकोज के भी यूरिया के भी और सुक्रोज के भी तो अब हमें इससे भी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा वॉट इज एन एन इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन बाय गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इन टू वी और यहाँ पे आ गया इन टू आर टी मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट इज जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट उतना कम ऑस्मोटिक प्रेशर अब अगर हम यहां पर देखें तो ग्लूकोज का अटोमिक वेट इज वन एटी अप्रोक्सीमेटली यूरिया का होता है सिक्सटी और सुक्रोज़ का होता है थ्री फोर्टी टू ये वी कैन कैलकुलेट नाउ जितना कम मॉलिकुलर वेट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया यूरिया का विच इज पी टू तो अब यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट उसके बाद किसका मॉलिकुलर वेट है ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दैट इज वन सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन so सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का फिर ग्लूकोज का और सबसे कम सुक्रोज का क्वेश्चन नंबर टू गिवन है हमें यहाँ पे स्टेटमेंट वन क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजे इन दर यहाँ पे एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई की इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हमें गिवन है बिल्कुल सही है ये यह, स्टेटमेंट यही होता है ऑर्डर स्टेटमेंट टू क्या गिवन है? जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है हलोजन का डाउन द ग्रुप वैसे वैसे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है और इसीलिए जो एसिड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है बिल्कुल सही है यही तो रीजन है इस एसिडिक स्ट्रेंथ का कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज होगा तो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट बेरिलियम क्लोराइड दैट इज बी ई सी एल टू का स्ट्रक्चर बताना है सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में तो बेरिलियम क्लोराइड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है दोनों ही स्टेट्स में सॉलिड स्टेट इसीलिए ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है Becl2 एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है एंड सो so ऑन इसीलिए ही यहाँ पे मोलिकुलर मास ज्यादा हो जाता है और स्टेट कौन सी हो जाती है सॉलिड स्टेट वहीं अगर हम वेपर फेस की बात करें तो इतना ज्यादा मोलिकुलर मास नहीं होगा मीन्स वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो डायमराइजेशन करने की कोशिश करेगा इसीलिए वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा डाइमर की तरह और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा चेन की तरह सो करेक्ट ऑप्शन पे हो गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एक रिएक्शन हो रही है फ्रॉम ए टू बी इंथेपी गिवन है रिएक्शन की माइनस फोर पॉइंट टू किलो जूल पर मोल अगर इंथेपी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है इसका मतलब ये रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी कम है रिएक्टेंट से ठीक है तो हमें पे बताना है करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल अब देखो यहाँ पे ऑप्शन वन में तो जो ए है दैट इज रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम है बी से तो ये तो हो गया इन ऑप्शन ये हो गया है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन टू देखें ऑप्शन टू में हमारे पास ए ऊपर गिवन है बी नीचे गिवन है सो so ये यहाँ पे पॉसिबल है ऑप्शन थ्री में दोनों इक्वल गिवन है सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन एंड अगेन ऑप्शन फोर इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन टू बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट क्वेश्चन नंबर एटी वन पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू डेली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन थ्री सिक्स एट किलो हर्ड्स सो बेसिकली यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू गिवन है वन थ्री सिक्स एट किलो हर्ड्स यहाँ जिसको हम लिख सकते हैं क्या वन थ्री सिक्स एट जीरो 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 हर्ड्स ठीक है कैलकुलेट क्या करना है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैमडा कैलकुलेट करना है गिवेन क्या है स्पीड ऑफ लाइट पावर एट मीटर पर सेकेंड नाउ वी नो सी इज इक्वल टू म्यू लैमडा म्यू की वैल्यू गिवन है सी की वैल्यू गिवन है लैमडा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को डिवाइड करके सो वेन वी डिवाइड थ्री इंटू टेन टू द पावर एट एंड वन थ्री सिक्स एट जीरो 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 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा टू वन नाइन पॉइंट थ्री दैट इज ऑप्शन वन यूनिट्स क्या होंगे इसके मीटर बिकॉज यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में ही ली है क्वेश्चन नंबर 82 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन्स 78 परसेंट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सो अगर कार्बन की परसेंटेज 78 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया फिर 100 माइनस सेवेंटी एट दैट इज ट्वेंटी अब हमें यहाँ पे करेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है इस कंपाउंड का तो कार्बन की परसेंटेज है सेवेंटी एट इसको डिवाइड करेंगे इसके अटोमिक वेट से विच इज़ ट्वेल्व हाइड्रोजन की परसेंटेज है ट्वेंटी टू इसको डिवाइड करेंगे इसके अटोमिक वेट से विच इज़ वन सो कार्बन यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा सेवेंटी एट अपॉन्ट ट्वेल्व विच इज़ बेसिकली सिक्स पॉइंट फाइव एंड हाइड्रोजन यहाँ पे होगा ट्वेंटी टू फिर अब हमें क्या करना होता है कि जो लीस्ट रेशो होती है उससे डिवाइड करना होता है तो यहाँ पे इसको 6.5 से डिवाइड करेंगे इसको भी 6.5 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन यहाँ पे कितना आ जाएगा वन और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री तो इसको हम कंसिडर क्या करेंगे थ्री कंसिडर करेंगे सो so, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर एम्पेरिकल फॉर्मूलाटी थ्री द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज सबसे पहले तो वॉट इज मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म हम उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट हों नाउ हेयर ऑप्शन नंबर वन में तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो ऑप्शन वन तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है नाउ रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस में क्या है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सी थ्री एच एट ओ के मेटामर्स फॉर्म करने की कोशिश करें तो वो कैसे फॉर्म होंगे नई फॉर्म होंगे ना ही थर्ड ऑप्शन के फॉर्म होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर के मेटामर्स फॉर्म होंगे सी फोर एच टेन ओ वो क्या हो सकते हैं ये दोनों सी यहाँ पे क्या है ये है फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है ये आर ओ आर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टू कार्बन एटम्स यहां पे राइट हैंड साइड पे टू कार्बन एटम्स वेयर एज यहां पे क्या लेफ्ट हैंड साइड पे वन कार्बन एटम और राइट हैंड साइड पे थ्री कार्बन एटम्स सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर कर गए हैं लेफ्ट और राइट साइड में सो दिस इज एक्चुअली मेटामेरिज्म सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एटी फोर Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. What is basically Hinsberg reagent? Which is basically this. नावहिंसप रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स जो प्राइमरी अमीन्स होती हैं वो इसके साथ रिएक्शन के बाद फॉर्म करती हैं एन अल्काइल बंजीन सल्फोनामाइड जो सॉलिबल होते हैं अल्कलाई में बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वेर एस अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो रिएक्शन होती है और एन एन डाई अल्काइल सल्फोनामाइड फॉर्म होता है बट इट इज इनसॉलिबल इन अल्कलाई बिकॉज वहां पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और टर्शरी अमीन के केस में तो फॉर्म ही सॉल्ट होता है एक विच इज़ इनसॉलेबल सो बेसिकली प्राइमरी अमीन एक सॉलिड देंगे जो डिजॉल्व कर जाएगा अल्कलाई में अब यहाँ पे हमें बस देखना है कि प्राइमरी अमीन कौन सी है ये तो है नहीं दिस इज सेकेंडरी अमीन दिस इज प्राइमरी अमीन एंड ये क्या है एक टर्शरी अमीन सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर एटी फाइव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल फोर्टीन टाइप्स ऑफ ब्रावियाज लेटस यूनिट सेल्स इज तो जो फोर्टीन ब्राविया यूनिट सेल्स होते हैं उनमें से जो बी होते हैं वो होते हैं टोटल में थ्री एक होता है किसमें क्यूबिक सेल में एक होता है ऑर्थोरोम्बिक में और एक होता है टेट्रागोनल में आयरन की यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग फील्डेंट और वीक फील्ड लिगेंट यहाँ पे आयरन के साथ गिवेन है हमें यहाँ पे देखना है बेसिकली मैगनेटिक मोमेंट सो पहले ये चारों के चारों कॉम्पलेक्सेज में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्कुलेट करते हैं फर्स्ट केस में क्या है सी एन के ऊपर होता है वन नेगेटिव तो ये हो गया सिक्स नेगेटिव तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस तो आयरन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कितना प्लस थ्री चार्ज सेकेंड केस में वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता तो अगेन आयरन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये वाले कॉम्प्लेक्स में अब सी एन के ऊपर अगेन माइनस वन है तो यहाँ पे आयरन के ऊपर आ गया क्या प्लस टू चार्ज एंड अगेन फोर्थ में भी आयरन के ऊपर है प्लस टू चार्ज तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ली सी एन दैट इज साइनाइड इज अ फील्ड तो पेयरिंग करवाएगा वेयर एज इज अ वीक फील्ड तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगी आयरन की 3d5 और अब पेयरिंग भी करनी है तो ये बेसिकली बन किया जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वेयर एज सेकेंड केस में क्या है अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो है थ्री डी फाइव बट अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो ये रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बिकॉज वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंट अब थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड इीगेंट है बट अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन इज थ्री डी सिक्स तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन पेयरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस केस में अब मैग्नेटिक मोवमेंट जीरो हो जाएगी बिकॉज सारे के सारे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब पेयर्ड ठीक है सो so, सी का आंसर पे क्या हो जाएगा टू तो डायरेक्टली देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमारे पास सी के साथ सेकेंड ऑप्शन मैस्ड है वो है ऑप्शन सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर अब टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है इन अ मिक्सचर ऑफ फोर ग्राम ऑक्सीजन दिया है और टू ग्राम हाइड्रोजन दिया है कंटेन इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ वन लीटर गिवन है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है एन जीरो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 सेवन थ्री कैलवन सो बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर दैट इज पी वॉल्यूम भी गिवन है हमें यहाँ पे और टेम्परेचर भी गिवन है सो so अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन देखें विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो यहाँ पे पी कैलकुलेट करना है V गिवन है R गिवन है T गिवन है तो अगर कहीं से n की वैल्यू हमें मिल जाए तो पी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे नाउ गिवन क्या है हमें मिक्सचर गिवन है फोर ग्राम ऑक्सीजन और टू ग्राम हाइड्रोजन का सो so, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पहले कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएंगे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट तो गिवन वेट यहाँ पे क्या है फोर ग्राम और मोलिकुलर वेट क्या है थर्टी टू ठीक है तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो आ गए वन बाय एट अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कैलकुलेट करें गिवन वेट इज टू एंड मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो टू तो यहाँ पे आ गए वन मोल तो टोटल मोल्स दैट इज टोटल एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर वन बाय एट प्लस वन विच इज इक्वल टू नाइन बाय एट सो एन की वैल्यू भी आ गई हमारे पास सो so, अब हमें बस क्या करना है इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना है तो p की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो p यहां से क्या आ जाएगा फिर p विल बी इक्वल टू एन की वैल्यू आ गई नाइन बाई एट इंटू आर की वैल्यू गिवन है पॉइंट जीरो एट टू वन चर की वैल्यू गिवन है 273 सेवेंटी थ्री डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना गिवन है लीटर अब नाउ पे देखो यहाँ लीटर में ही गिवन है यूनिट्स तो इसको लीटर में ही रखेंगे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर एटी एट यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट है प्रोपेनोइक एसिड का ठीक है जब हमने उसको एन एच प्लस समथिंग के साथ यहाँ पे हीट किया है तो हमें मिल गया है यहाँ पे एल्केन एंड साथ में मिल गया है एनए टू सीओ थ्री सो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या है डी कार्बोक्साइलेन सो दिस इज अ डी कार्बोक्शन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे ये यह जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट था इससे अब सीओ टू रिमूव हो गई है और किसके साथ चली गई है एन ए के साथ फॉर्म क्या कर लिया है एन ए टू सीओ थ्री सो ये जो डी कार्बोक्साइलेन रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम विच इज एन एओ एच प्लस सी ए कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे हम यूज करते हैं एन ए ओ एच को बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिसिटी तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर एटी नाइन्थ फॉर इिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन हमें यहाँ पे डेल्टा यू और डेल्टा एस टोटल दैट इज इनट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है अब जब आइसोथर्मल कंडीशन है तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी यही होता है डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी तो अब जब यहाँ पे डी टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है बिकॉज आइसोथर्मल हम उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं जहाँ पे देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर सो अगर डी टी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे डी यू भी फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो डी तो होना चाहिए जीरो सेकेंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो गया एलिमिनेट नाउ गिवन क्या है इ रिवर्सिबल एक्सपेंशन तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तब जो टोटल इंट्रोपी होती है उसकी वैल्यू जीरो होती है और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तब जो टोटल इंट्रोपी होती है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है सो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो गई जीरो और डेल्टा एस टोटल विल बी नॉन जीरो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन क्ट यहाँ पे हमें मैच बताना है सबसे पहले क्या गिवन है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एरोजन बॉन्ड इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज एच पॉजिटिव जल्दी एलिमिनेट होगा तो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी सो so, ये तो है एक करेक्ट ऑर्डर अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन थ्री की बात करें तो क्या गिवन है एनएच थ्री पी एच थ्री ए एस एच थ्री और एस बी एच थ्री का इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर अगेन डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज ऑल्सो हमें पता है कि जो अमोनिया होता है वो तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है सो so एसिडिक सबसे कम होगा तो so, ये भी एक करेक्ट ऑर्डर है अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फोर देखें तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर गिवन है हमें सीओ टू एस आईओ टू एस एन ओ टू और पीबीओ टू की सो so, यहाँ पे बेसिकली है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो पीबीओ टू है इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि यहाँ पे जो लेड है वो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है गेन करके इलेक्ट्रॉन्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा इसीलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाउ अगर यहाँ पे ऑप्शन टू की बात करें तो वॉटर एच टू एस एच टू एस सी और एच टू टी की हमें ए वैल्यूज की यहां पे बात की है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पी के ए वैल्यूज डिक्रीज होंगी बिकॉज वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं जितना ज्यादा कोई चीज एसिडिक उतनी कम उसकी पीके ए वैल्यू तो ये इंक्रीजिंग पी के ए वैल्यूज का ऑर्डर नहीं होना चाहिए सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है सो करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एसिटिक एसिड acid की ट्वेंटी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और यहाँ पे मोलरिटी दैट इज कंसेंट्रेशन भी गिवन है एसिटिक एसिड acid की हमें कैलकुलेट करना है डिसोशियेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज गिवन बाय के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अब कंसेंट्रेशन तो हमें यहाँ पे गिवन है 0.007 मोलर तो हमें यहाँ से पहले अल्फा को कैलकुलेट करना पड़ेगा नाउ अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन सो मोलर कंडक्टेंस एट सम सम्रेशन सी हमें यहाँ पे गिवन है क्या ट्वेंटी इन्फाइन डल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली वैल्यूज तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फाइन डल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फिर क्या करेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर थ्री फिफ्टी प्लस फिफ्टी तो ये हो क्या गया ट्वेंटी अपॉन फोर हंड्रेड तो ये आ गई है अल्फा की वैल्यू इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे कंसेंट्रेशन की वैल्यू के साथ तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे के अल्फा दैट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू विच विल कम आउट टू बी वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव मोल पर लीटर दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू स्लोप गिवन है हमें आरहीनियस प्लॉट की हमें कैलकुलेट करनी है EA की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आरही इज इक्वल टू टू पावर माइनस अपॉन अगर हम पे इसको नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स तो ये क्या आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई तो ये किसको रिजेंबल करती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो यहाँ पे x क्या है वन बाई टी और फिर m क्या आ गया है माइनस ई ए बाई आर तो स्लोप आ गई है क्या माइनस ई ए बायर जिसकी वैल्यू क्या गिवन है माइनस फाइव इंटू टेन टू द थ्री तो माइनस ई ए बाई आर विल बी इक्वल टू माइनस फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री माइनस से माइनस कैंसिल ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर की वैल्यू हमें गिवन ही है एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल तो जब हम यहाँ पे फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे एट पॉइंट थ्री वन फोर तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी वन इंटू टेन टू द पावर थ्री ये किसमें है जूल में आंसर किस में गिवन है किलो जूल में तो अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे डायरेक्टली 41 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली विच इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बताना है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का सो so, यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं एन ए बी एच फोर दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये करता है सिलेक्टिव रिडक्शन दैट इज एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस करेगा सो so, यहाँ पे एस्टर वाला ग्रुप रिड्यूस हुआ है ऑप्शन वन हो गया इनकरेक्ट ये भी हो गया है इनकरेक्ट यहाँ पे भी रिडक्शन शो की है यहाँ पे भी रिडक्शन शो की है इनकरेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फोर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कीटोन वाले ग्रुप की रिडक्शन हुई है एस्टर वाला ग्रुप है एज इट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर चार नेम्ड रिएक्शन गिवन है हमें यहाँ पे आपस में मैच करना है उनको देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाली रिएक्शन बेंजीन में वी आर एडिंग सीओ एंड एच सी एल सो क्लियरली ये कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे हम लुइस एसिड का यूज करते हैं साथ में कार्बन मोनोक्साइड और एससीएल का दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन तो फर्स्ट का तो हो गया टू ऑप्शन बी अगर देखें तो दिस इज व्हाट अल्फा पे मिथाइल है और ये कीटोन है ठीक है तो अल्फा मिथाइल कीटोन साथ में रिएक्शन कर रहे हैं एन ए ओ एक्स के साथ एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है Halogen. तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन अगर यहाँ पे आई होता तो वो हो जाता आइडोफॉर्म रिएक्शन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सी वाली देखें रिएक्शन तो क्या गिवन है एक अल्कोहल है और एक एसिड है और यहाँ पे मीडिया कौन सा है एसिडिक मीडिया तो जब अल्कोहल और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर फॉर्म करते हैं और रिएक्शन हो जाती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अगर डी वाली यहाँ पे रिएक्शन देखें तो क्या गिवन है हमें यहाँ पे एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है जिसके पास इस कार्बन के पास प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन सो तो यहाँ पे जब रेड फॉस्फॉरस और साथ में हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी हेल वोल्ड हार्ड जिलेंस की रिएक्शन सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव विच ऑफ दॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर तो नॉन पोलर कौन सा मोलिक्यूल होगा जो सिमिट्रिकल होगा जिसकी डायपोल मोमेंट सारे ही डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगी तो कोई भी पोल्स जनरेट नहीं होंगे तो वो मोलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा अब अगर हम यहाँ पे एस बी सी एल फाइव का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज बेसिकली ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सो यहां पे क्या है डायपोल मूवमेंट कोई भी नहीं होगी जीरो डायपोल मूवमेंट है सो दिस विल बी नॉन पोलर वेयर एज बाकी सारे पोलर होंगे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स इनमें से कौन सा पेयर ऑफ आय आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है नहीं वाला बताना है हमें यहाँ पे सो so, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन वन देखें ओ टू नेगेटिव और एफ नेगेटिव

टू पॉजिटिव चार्ज तो ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए आयरन अटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स थ्री पॉजिटिव चार्ज तो अगेन ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए सो so, ये तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वेयर एज जो फोर्थ वाला पेयर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बिकॉज एफ ई टू पॉजिटिव आयरन का अटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स टू पॉजिटिव चार्ज है तो ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज अटोमिक नंबर ट्वेंटी फाइव टू पॉजिटिव चार्ज है तो ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये नहीं है यही हमें यहाँ पे बताना था क्वेश्चन नंबर 97। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर गिवन है और बेंजीन इज टू ऑक्टेन की मोलर रेशो गिवन है थ्री इज टू टू ऑल्सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है प्योर प्रेशर्स गिवन है बेंजीन के और ऑक्टेन के तो प्योर प्रेशर अगर हम बेंजीन को ए मान लें तो प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन हो गया पी नॉट ए विच इज गिवन टू सिमिलरली पी नॉट बी अगर यहाँ पे ऑक्टेन बी है तो ये हो गया है फोर ट्वेंटी नाउ टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्योर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ठीक है प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी अब यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू है x ए एक्स बी की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी p का यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी So, और एक्स बी यहाँ पे कैसे आएंगे मोरल रेशो हमें गिवन है थ्री इज टू टू तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी थ्री अपॉइंट फाइव और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी टू अपॉइंट फाइव ये सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी थ्री थर्टी सिक्स मिलीमीटर ऑफ एच जी दैट इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट मैच करना है हमें यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बी वाली रिएक्शन जनरेट क्या हो रहे हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल्स एंड हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वही रीजन है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का सो so, बी का तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हो जाते हैं एलिमिनेट अब हम देखते हैं यहाँ पे ए वाली रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे SO2 टू प्लस ओ टू गिव टू एस ओ थ्री तो यहाँ पे ये जो सल्फर की ऑक्साइड फॉर्म हुई है ये बहुत स्टेबल होती है ट्रोपोस्फेयर में जाके अपनी लेयर फॉर्म कर लेती है और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कॉज करती है सो so, ए का हो जाएगा फोर देन सी देखें तो सी इज द रिएक्शन फॉर एसिड रेन एंड डी एनओ टू गिव राइज टू एनओ प्लस ओ ये होती है स्मॉग की रिएक्शन सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 99 आर रिएजेंट को यहां पे आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले हमने यहां पे NH2 को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट किया है किस किससे NaNO2 और HCl से सो so, NaNO2 HCl बेसिकली जनरेट क्या करता है HNO2 व्हिच इज अ डाइएज़ोटाइजिंग एजेंट तो यहां पे क्या हो जाती है डाइएज़ोटाइजेशन जिसमें क्या होता है NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 पॉजिटिव सॉरी एन टू पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव में उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट ऐड करें कि ये एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव वाला ग्रुप है जो यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाए सो so, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे अल्कोहल दैट इज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच हमने यहाँ पे अगर यूज किया तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा इन एसिट एलडीहाइट दैट इज सी एच थ्री सी एच ओ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब यहां से जाएंगे क्या दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सीएल के साथ जाएगा तो बन जाएगा एच सी एल एन टू यहां से एलिमिनेट हो जाएगी जो दूसरा हाइड्रोजन बचा है वो क्या करेगा यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको फुलफिल कर लेगा ठीक है सो so, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा एच और ये बन जाएगी क्या एक बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी खुद कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल डिहाइड में करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का दैट इज क्वेश्चन हंड्रेड एक्स को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है क्या किया है हमने यहाँ पे वॉट इज दिस दिस इज टोलुइन टोलुइन से शुरू किया है फॉर्म क्या किया है बेन्जल्डी तो टोलुइन से बेजलडी फॉर्म करने में हमने यूज किया है सी आर ओ टू सी एल टू का दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड का सो so, ये कौन सी रिएक्शन हो गई है फिर दिस इज इटार्ड रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन में यहां पे एक्स क्या फॉर्म होता है यहां से पहले जाएंगे दो एच और उसकी जगह पे क्या आके जुट जाएगा ओ सी आर ओ ठीक है उसके साथ क्या लगे होंगे दो सी एल और एक एच सो so ये है जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज सी एच के साथ क्या जुड़ा है ओ सी आर ओ एच सी एल टू उसके बाद जब रिएक्शन तो दोनों दोनों बन हमने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में यू कैन चेक द लिंक ऑफ वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल्सो एमसीक्यू सीरीज की प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप यूर कमेंट्स इन द कमेंट्स सेक्शन